आपने पंकज त्रिपाठी की फिल्म कागज तो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी है तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश के विदिशा में हो रहा है। विदिशा में 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो जिंदा तो हैं लेकिन कागजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। लगभग 40 से 50 लोगों को डिजिटली मृत घोषित कर दिया गया है। सबसे पहले इन्हें सुनिए। 10 तारीख को ये घटना हुई है, पर इस घटना के बारे में मुझे 17 तारीख शाम को पता चला है। 17 तारीख को मेरे चाचा का फ़ोन आया मेरे पास, एक हितग्राही है सोनू यादव, वो उनके पास गए थे। उन्होंने वहाँ पे चाचा को बात बताई, फिर चाचा ने मुझे फ़ोन किया कि इनको मृतक घोषित कर दिया गया है। फिर जब मुझे ये शाम को पता चला, तब फिर मैंने सचिव जी को फ़ोन लगाया कि अपने गांव से एक हितग्राही को मृतक कर दिया है, सोनू यादव नाम है, उनकी आईडी में मेरा नाम लिखा आ रहा है सामने। तो फिर उसके बाद जब सचिव जी ने फिर किसी और से बात की होगी, पर मुझे 17 को जैसे ही पता चला तो मैं 18 तारीख को सी ओ सर के पास आई और मैंने इस चीज़ की पर कार्रवाई शुरू करवाई कि कितना वहाँ के मुझे पता चला कि एक नहीं दो चार लोगों के नाम सामने आए। फिर धीरे धीरे अब आज तक अभी निकलते ही नाम आ रहे हैं, लगभग 40 से 50 लोगों को मृतक किया गया है और इस चीज़ पर कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही सब कुछ सही हो। ये थी खजूरिया जागीर की सरपंच वर्षा राजपूत। इनका कहना है कि इनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। एसपीआर पोर्टल की पूरी जानकारी पंचायत सचिव के पास होती है। जी, मुझे कुछ भी जानकारी पता नहीं था, एसपीआर पोर्टल मेरे द्वारा यूज नहीं होता है, इस पे सरपंच को कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, लोग परेशान होकर अधिकारियों के पास पहुँच रहे हैं। विदिशा के कलेक्टर उमाशंकर भार्गव का कहना है कि दो पार्टियों के बीच विवाद है और इस मामले की जांच साइबर सेल करेगी। जो अभी हमको प्रारंभिक जानकारी मिली है, ये पंचायत चुनाव में जो हुए थे उसको लेकर के कुछ विवाद है, कुछ दो पार्टियों का, इसमें एक पार्टी के द्वारा फ्रॉड किया गया है और हम इसमें एसपी साहब भी हैं यहाँ पर आपके सामने, हम इसमें एसपी साहब को पत्र भी लिख रहे हैं, इसमें साइबर सेल से जांच कराएंगे और जो लोग हमारे ये इसमें जो टेक्निकल त्रुटि हुई है हम बहुत जल्दी इसको ठीक करा करके उसको ठीक करा। अब फिल्म कागज में तो पंकज त्रिपाठी को कामयाबी मिल गई थी, देखना ये है कि विदिशा के लोग अधिकारियों को हरा कर खुद को जिंदा साबित कर पाते हैं या नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।